हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशालाज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अभी भी क्या हुआ है, जस्ट एक घंटे पहले यूजीसी ने एक अपने ट्विटर हैंडल से एक ऑफिशियल नोटिस जारी करी है। उससे हम लोग एनालाइज कर लेते हैं उसमें क्या बातें कही गई हैं, क्योंकि अभी तक एज सच आप देखोगे तो यूजीसी ने कोई ऑफिशियल नोटिस इशू नहीं करा था रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस। तो अभी क्या हुआ है कि इस नोटिस को इशू किया गया है, हम लोग देख लेते हैं उसमें है क्या। हम लोग ट्विटर पर जाते हैं क्योंकि ट्विटर पर ही उन्होंने पोस्ट किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये हमारा बीएचयू पाठशाला का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कैंपेन चला रहे हैं रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ बीएचयू फॉर ऑल, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइए, इसे रिट्वीट करिए, जिससे जिससे भी इशू है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जाइए रिट्वीट करिए, जितना हो सके अपनी बातों को रखिए ताकि प्रशासन को ये समझ आए कि हाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाले भी प्रॉब्लम में है, ठीक है, उनकी भी क्लासेस ऑफलाइन मोड में चलनी चाहिए। तो यहाँ पे जाइए आराम से ट्वीट करिए आप लोग। ये हमारा रहा नोटिस आज का, इसे हम लोग आराम से एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये देखिए 11 फरवरी का नोटिस है, कब का है, 11 फरवरी का, ये 11 फरवरी का नोटिस है, यानी कल का नोटिस आज जारी किया गया, कब, 12 फरवरी को, ठीक है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट क्या है, रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से ओपन किया जाएगा। तो ये सब इतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला पॉइंट, क्या, लास्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ जो लास्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा गया है कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 द रिस्पेक्टिव रीजन, ठीक है। HEIs मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करें, ओपन कैंपसेस, अपने कैंपस को ओपन कर सकते हैं पूर्ण रूप से, कंडक्ट क्लासेस, अपने क्लासेस को रन करा सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, मतलब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि वो एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड कराएं या ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो UGC ने अपनी इस बातों को अपने इस नोटिस के जरिए क्लियर कर दिए कि एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड फॉलोइंग कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको जिस तरीके से, मतलब सारी जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को लगे कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है उस तरीके से करवाए, ठीक है। एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल गाइडलाइन डायरेक्शन एडवाइजर इशूड बाई द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंपिनेंट अथॉरिटी फॉर द टाइम टू टाइम, और जब टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस इशू की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो फॉलो किया जाएगा। तो इस अगर नोटिस का पूरी तरीके से आप एक तरीके से सार देखोगे तो क्या है, इसमें बस बातें कही गई हैं कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने प्रोटोकॉल, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चाहे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ओपन कर सकती हैं पूर्ण रूप से, और एग्ज़ाम के मोड में लिखा है कि वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि वो अपने हिसाब से ऑनलाइन मोड में ले या ऑफलाइन मोड में ले, ठीक है। तो ये रहा पूरा नोटिस, ये जाने कि अब UGC ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, ऑफिशियल कर दिया है इस बात को, ठीक है, ऑफिशियल कर दिया है कि हाँ अब पूर्ण रूप से कॉलेज को ओपन कर दीजिए। अब इसमें बात आती है हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की कि सर जब UGC ने भी बोल दिया है कि अब ऑफलाइन क्लासेस करा दीजिए, मतलब ऑफलाइन क्लासेस की बात करी है UGC ने, तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ हमारे यहाँ क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो बेसिकली करिए क्या कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये तो पूरा डिपेंड करता है अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो हम लोग यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि एक कैंपेन चला सकते हैं जो कि 2 दिन से हम लोग चला ही रहे हैं ट्विटर के ऊपर, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करिए इसे और यहाँ पे आइए, कहाँ, बीएचयू पाठशाला के ऑफिशियल हैंडल पे आइए और देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्वीट करा हुआ है, क्या, ये हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे हमने एक ट्वीट कैंपेन चला रखा है, इस ट्वीट को ऑलरेडी पिन किया हुआ है यहाँ पे, आप आइए, इसे 242 लोगों ने रिट्वीट कर चुका है यहाँ पे और 178 लोगों ने लाइक भी किया है। तो जिसे जिसे भी प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर में रिगार्डिंग मेन कैंपस कि सर हमारे कॉलेजेस को ओपन नहीं किया जा रहा है, हमारे लिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला जा रही हैं, तो कृपया आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ताकि अगर 242 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, रिट्वीट किया है, तो मे भी हो सकता है कि अगर एक बंदे का भी ट्वीट सर या कोई भी वाइस चांसलर हो गया, चाहे हमारा ऑफिशियल हो गया या रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, उनके जहन में जाता है तो उनको एटलीस्ट लगेगा ना कि बच्चे एक्टिव हैं। तो वो भी कोई हो सकता है कोई आने वाले इसी फरवरी के मंथ में ही कोई स्टेप ले,
तो बेसिकली, और ये रिक्वेस्ट देखिए सेकेंड और थर्ड ईयर वालों के लिए भी है, भाई साहब जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो मत चाहिए कि आपके आने वाले जो पीढ़ी है पिछली उसके साथ भी हो, एटलीस्ट उनके साथ तो न्याय हो पूरी पूर्ण रूप से। तो हम लोग आइए, आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए इस कैंपेन में। और यही नोटिस था, ज़्यादा कुछ है नहीं कि इतना बस है कि ऑफिशियल कर दिया गया, ठीक है। और हमारे चैनल को पूर्ण रूप से आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और डेली अपडेट के लिए लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।